नमस्कार, मेरा नाम दीपक है और आप सभी देखना शुरू कर चुके हैं आईटीटी न्यूज। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार ने बिहार में इतिहास रच दिया है, बड़ी खबर है, विस्तार से करेंगे चर्चा, बने रहिए हमारे साथ। अखिलेश यादव ने कहा कि हमारी पूरी की पूरी जैन शराब जो है मैनपुरी में हमें पुकार रही है और जनता हमें देगी अपना आशीर्वाद और प्यार। चिराग पासवान बिहार के धरती पर कदम रखकर रचेंगे इतिहास, कानून व्यवस्थाओं के चरमराने के बाद में तस्वीरें नई प्रकार से आएगी। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी का हो सकता है हार, इस वक्त कांग्रेस का सबसे बड़ा दावा सामने निकल करके आया। इसके साथ मुकेश सहनी ने कहा सहनी समुदाय के लोग भाजपा का नहीं करते समर्थन, महागठबंधन को करेंगे घुटने चुनाव में वोट। इसके साथ आज की बड़ी खबर में बातचीत करेंगे कैसे राहुल गांधी 21 और 22 तारीख को जाकर के रचेंगे इतिहास, गरीबों को बताएंगे कौन है उनका सबसे बड़ा नेता। व्हाट्सएप इस्तेमाल करने वाले सभी यूजर्स को जाननी चाहिए आज की बड़ी खबर, करेंगे विस्तार से चर्चा, बने रहिए आप हमारे साथ। इसके साथ आज की बड़ी खबर में बातचीत करेंगे EIMIM चीफ सुदीन ओवैसी गुजरात में पहुंच करके कर क्या रहे हैं और किसको साधने की तैयारी हो रही है। इसके साथ आज की बड़ी खबर में बातचीत करेंगे कैसे एक बार फिर से कोहरे के धुंध में समाया पूरा हिंदुस्तान, धुएं के गुबार में और मौसम के बदलते तेवर। इसके साथ बातचीत करेंगे कैसे जहां बिहार में कानून व्यवस्थाएं चौपट हो गई है और सोने और चांदी की कीमतें अचानक से उछाल पर क्यों गई, इसके पीछे का मुख्य कारण क्या था, सोना खरीदना क्या आपके लिए सही समय है या नहीं। इसके साथ बात करेंगे दिल्ली पोल्यूशन के ग्राफ रेट में आगे, दिल्ली में धुओं का गुबार कुछ इस तरीके से जो आपके गलों में खराश की तस्वीरें ला सकता है, दूध में मिलावट खोरों से रहे सावधान, ऐसे में होती है मिलावट और शैंपू से बनाया जाता है दूध। इसके साथ आज की बड़ी खबर में बातचीत करेंगे कैसे जहां बिहार में एक नियम कानून को लागू किया गया था संपूर्ण शराबबंदी कानून को लेकर के, इस कानून पर उठे बड़े सवाल, तो छोटी और बड़ी सभी खबरों को देखेंगे विस्तार से। उससे पहले वीडियो को 5000 लाइक कर अपना समर्थन दर्ज करना ना भूलिएगा। आपका एक एक लाइक हमें प्रेरणा देता है और हमें अपनी आवाजों को उठाने में बहुत गर्व महसूस होती है। ऐसे में दोस्तों आज एक और गर्व की काम करते हैं, बिहार पुलिस में नीतीश कुमार द्वारा दी गई बहाली का अगर आप समर्थन करते हैं, अगर आपको लगता है कि नीतीश कुमार जी द्वारा दी जाने वाली ये बहाली बेहतर थी और इससे विकास हुआ है, बिहार का विकास हुआ, बिहार के लोगों का विकास हुआ, तो आप इस वीडियो पर 5000 लाइक कर समर्थन दर्ज करिएगा। हमें आपसे पूरा उम्मीद है कि आप सभी लाइक कर अपना समर्थन दर्ज करेंगे। के साथ दोस्तों आपको बता देते हैं कि अभी की मिली एक रिपोर्ट के अनुसार जिस तरीके से बिहार पुलिस में बम्पर बहाली चलाई जा रही है, इस बहाली से जो है वो जनता जो है वो जागरूक हो रही है और ऐसे नेताओं को अपना मताधिकार देना चाहती है जो नेता उन लोगों के लिए करे जो लोग फिलहाल मजबूत स्तर को पा करके बिहार को बुलंदियों तक ले जाने का प्रयास करते हैं। खैर, आपका क्या सोचना है? बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है भारतीय जनता पार्टी को लेकर के, बीजेपी ने एक बार इतिहास रचा और इतिहास गुजरात में रचा, लेकिन आज उसी इतिहास को दोहराने की बारी है। जब इतिहास को पूरी तरीकों से खत्म कर एक बड़ा सा कोशिश किया जा रहा है और ये बड़ा कोशिश जानते हैं क्या है, ये बड़ा कोशिश ये है कि भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी गुजरात में चुनाव हार सकती है। ये सूत्रों के हवाले से मिली खबर के अनुसार बीजेपी शायद इसीलिए अपना पीएम कैंडिडेट को सीएम कैंडिडेट के तौर पर पेश की और वो जी हाँ आपको बताने की कोशिश कर रही है। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेहतर ढंग से इंतजार रहेगा। दोस्तों आपको बता दें कि बीजेपी जो है वो एक कोशिश कर रही है और कोशिश जो है वो इसी बात को लेकर के है कि गुजरात में ना हारा जाए, गुजरात के चुनाव को किसी भी तरीकों से जीता जाए, एक कोशिश किया जाए। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और बड़ी खबर यह है कि आज पूरे हिंदुस्तान में ठंड का आगाज थोड़ा बहुत सभी जगहों पर देखने को मिल रहा है, लेकिन पर्यटक जो है वो अपना रुख इस वक्त कश्मीर की ओर किए बैठे हैं क्योंकि कश्मीर उनके लिए जाना और उनके लिए कश्मीर को समझना सबसे बड़ा है। इस वक्त बर्फबारी और स्नो की हो रही बारिश ने सभी पर्यटकों का केंद्र स्थल जो है वो कश्मीर हो चुका है और कश्मीर में पर्यटक पहुंच भी रहे हैं। ऐसे में दोस्तों आपको क्या लगता है हमें कॉमेंट करके
जरूर बताइएगा। पर्यटक स्थल के तौर पर जिस तरीके से डेवलप हुआ है, इन सभी चीज़ों से आपको जो कुछ भी लगता है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और एक प्रयास जो है वो हम मिल करके करते हैं कि आपके यहाँ की तस्वीर, आपके ठंडी क्या है, वो वेदर रिपोर्ट आप जो है हमें कमेंट करके बताइए कि आपके यहाँ ठंड का कैसा आगाज है और ठंड से बच कर रहने की कौन कौन सी कोशिशें हैं जो एक आम जनता को करनी चाहिए, अपना राय जरूर लिखें। बिहार में आपराधिक घटनाएं के बढ़ने के साथ साथ लोगों की समस्याएं बढ़ी है। आपराधिक घटनाएं इस कदर पूरे हिंदुस्तान के अंदर बढ़ रही है जैसे मानो कि कहीं भी कत्लेआम को करके किसी व्यक्ति को फेंक देना बड़ी आसान हो, लेकिन इस कत्लेआम को रोकने के लिए नेता कोई सामने नहीं आते हैं। जब किसी व्यक्ति और किसी अधिकारी, किसी नेता या किसी बड़े तौर पर जो बिजनेसमैन हो उनकी हत्याएं होती हैं तो हम सभी आंसू बहाते हैं, लेकिन पहले अगर ये गृह मंत्रालय, पहले अगर ये मंत्रालयों के द्वारा सुधार कर तस्वीरें आती तो किसी प्रकार से कोई लव जिहाद या किसी क्राइम या किसी ऐसे तस्वीरों को नहीं आने दिया जा सकता था। लेकिन आज हमारी चौपट हुई कानून व्यवस्थाएं कुछ इस कदर बन चुकी है कि किसी भी तरीकों से बर्दात को अंजाम अपराधी देते हैं और घनचक्कर में पड़े अपराधियों को बेल भी मिल जाती है, वह बेल से बरी भी हो जाते हैं, जेल से बाहर भी आ जाते हैं और उसके बावजूद भी वो सोचते रहते हैं कि कब क्या हो, इससे कोई फर्क उनको नहीं पड़ता। खैर आप क्या सोचते हैं कमेंट करें। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में कमी हुई है और इस बात से भी बार बार कही जा रही है क्योंकि अब जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर के एक लगातार खबरें सामने आ रही है, इस खबर के और रिपोर्ट के अनुसार देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में आई कमी का आप इस बात से अवलेखन कर सकते हैं कि गुजरात के चुनाव में पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव नहीं हो रहा है, जबकि इशारों इशारों में अमित शाह ने अपने सीएम फेस का ऐलान किया, अपने सीएम का ऐलान किया और वो नहीं चाहते कि कोई रिस्क प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर लिया जाए। अगर मोदी के ऊपर रिस्क लिया गया तो मोदी अगर चुनाव गुजरात का हारते हैं तो फिर बड़ा खेला होगा और ये खेला जो है गुजरात में होगा और उसके बाद में इसे बचा पाना बड़ा मुश्किल टास्क होगा। ऐसे में कोशिश की जा रही है, आपका इस पर क्या कहना है हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतज़ार रहेगा। देश में सबसे बड़ी समस्या और पूरे विश्व की सबसे बड़ी समस्या है धुंध, और सबसे बड़ी समस्या इस वजह से हम कह रहे हैं क्योंकि इस देश में गाड़ियां सिर्फ 1% है, एक्सीडेंट जो है वो 11% होती है, पोल्यूशन का ग्राफ रेट कुछ इस कदर जा पहुंचता है कि दिल्ली में सिर्फ और सिर्फ लोगों को इरिटेट होना पड़ता है, लोगों के नाकों में खराश और छींक की तस्वीरें आती हैं। खैर आज दिल्ली का हालात काफ़ी बद से बदतर हो चुका है। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है इस वक्त आम आदमी पार्टी को लेकर के। आम आदमी पार्टी एक अपना प्रयास गुजरात में कर रही है जहां अरविंद केजरीवाल चुनाव जीतने के सबसे बड़े मूल मंत्र को देते नजर आए। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट गुंडागर्दी कर रहे हैं, वह आम आदमी पार्टी के कैंडिडेटों के साथ झड़प और गुंडागर्दी पर उतर आए हैं। उन्हें लगता है कि आम आदमी पार्टी उनका सुपड़ा साफ कर सकती है, आम आदमी पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी बनने वाली है, इसलिए उन्हें इस बात का खलन हो रहा है क्योंकि बीजेपी गुजरात में आम आदमी पार्टी के सामने फीका पड़ चुकी है, जबकि आम आदमी पार्टी अपने कैंडिडेटों को उतार करके कुछ बड़े पैमाने पर जीत हासिल करने का एक प्रयास कर रही है। दोस्तों गुजरात में आम आदमी पार्टी का भले ही अपना कोई अस्तित्व ना हो लेकिन पार्टी कुछ इस कदर से मार्केटिंग कर रही है कि पार्टी का जन अधिकार जन सैलाब बहुत ज़्यादा हो। हालांकि क्षेत्रीय पार्टियों से भी क्या आम आदमी पार्टी निपट पाएगी, ये सबसे बड़ा मुद्दा होगा। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, बिहार के सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह को अब पार्टी से इस्तीफा देना होगा। ऐसे में क्यों ये बातें सामने आ रही है आपको ये बताते हैं। जगदा बाबू एक लंबे अरसे से बिहार के आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष होने के बावजूद भी कार्यालय में नहीं आ रहे हैं और कार्यालय में ना आने के बाद में लोग कह रहे हैं कि उनकी नाराजगी है। सुभाषकर सिंह जब से इस्तीफा दिए उस वक्त से लेकर अभी तक जगदा बाबू नाराज चल रहे हैं।
ईवीएम मशीनों पर फिर से उठे सवाल। गुजरात की जनता ने कहा कि ईवीएम मशीनों पर भी सवाल हो सकता है, ईवीएम मशीनों में भी खेला हो सकता है। विपक्ष के नेताओं ने इस पर सवाल खड़ा किया। अगर आपको लगता है कि बीजेपी ईवीएम मशीनों के सहारे भी कई जगहों पर सरकार बनाने में अपनी सफलता प्राप्त करती है तो इस वीडियो पर 5000 लाइक कर अपना समर्थन दर्ज जरूर करिएगा। हमें आपसे बहुत सारी उम्मीदें हैं और इस उम्मीदों पर आप अपना लाइक कर समर्थन दर्ज करके दे सकते हैं। बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है और बड़ी खबर यह है कि एक बार फिर से जी हाँ, बिहार में संपूर्ण शराबबंदी वाले कानून को लेकर के सवाल उठ रहे हैं। माना जा रहा है कि बिहार में संपूर्ण शराबबंदी कानून को हटा देना चाहिए। इस कानून से काफ़ी ज़्यादा लोगों को परेशानी हो रही है और इस कानून से जो है वो बेकसूर जो है वो जान से मारे जा रहे हैं। लेकिन इस कानून को लेकर के भी सवाल उठने लाजमी थे और उठ भी रहे हैं। खैर, आपका इस पर क्या सोचना है, अपनी एक राय दें। सोने और चांदी की कीमतों में हर एक महीनों में वृद्धि होती है, लेकिन इस महीनों में सोने और चांदी में आई एक उछाल की तस्वीरों ने लोगों को यह बताने के लिए काफ़ी हो गया है कि सरकारें जो हैं उस वक्त सोने की कीमत ज़्यादा बढ़ाती है जब देश के अंदर शादियों का त्योहारों का मौका चल रहा हो, तो ऐसा मौका जो है वो छोड़ना नहीं चाहती। ऐसे मौके में एक प्रयास करती है और वह बढ़ा देती है सोने और चांदी की कीमतों को। आपको क्या लगता है, हमें कॉमेंट में एक अच्छा सजेशन लिख करके दें। आपका इस पर क्या सोचना है सोने और चांदी की कीमतों पर। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और बड़ी खबर यह है कि आज देश के अंदर पूरी तरीकों से रोड की समस्या सबसे ज़्यादा है। अगर आप बिहार आए हैं तो आपको पता होगा कि बिहार में मुख्यमंत्री पद की जो बात हो तो स्टेट हाईवे 2 लेन वाले होते हैं, बीच में डिवाइडर नहीं होता। उसके बावजूद भी उसे नेशनल हाईवे ना बोल के राज्य सरकार की हाईवे बोली जाती है और राज्य सरकारों का ये अनोखा हाईवे जो लोगों को परेशान करता है। बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है और बड़ी खबर ये है कि आज एक बार फिर से पप्पू यादव ने कहा कि प्रदेश के अंदर लूट, हत्याएं और अपहरण, डकैती हो रही है और ये बकसूरों को मारा जा रहा है। ऐसे में बेकसूरों को अपने जान गंवाने की भी डर है, इसलिए सरकारों को सोचना चाहिए कि गुंडा माफिया और अपराधियों को टिकट देंगे तो ये तो होगा ही, लेकिन आप ऐसे क्यों नेताओं को टिकट देते हैं जब आपको पता है कि ये लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े कर सकते हैं, ये कानून व्यवस्थाओं को बिगाड़ सकते हैं। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है इस वक्त, राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष के नए नियुक्ति के बाद में काफ़ी एक्टिव हैं। 21 और 22 तारीख को राहुल गांधी एक बड़ा प्रयास करने वाले हैं। राहुल गांधी इस प्रयास के साथ साथ अपनी पूरी ताकत के साथ पार्टी के कोशिश जो है वो कर रहे हैं और पार्टी जो है वो उनके लिए कोशिश कर रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि राहुल गांधी एक लगातार आदिवासी परिवार में अपनी छवियों को मजबूत कर रहे हैं जिससे चुनाव जीतने में उन्हें किसी प्रकार से कोई परेशानियों का सामना ना करना पड़े, चुनाव इजी एंड वे हो सके, उनके लिए जीता जा सके, ये एक प्रयास जो है वो किया जा रहा है। तो राहुल गांधी जो है वो अपने प्रयास में लग चुके हैं और उनके प्रयास जो है वो बकसूर जारी है, उनसे लगातार कोशिशें जो है वो की जा रही है और वो एक बेहतर प्रयास से आगे बढ़ते नज़र आ रहे हैं। यानी गरीबों की हक के बारे में बातचीत कर रहे हैं, गरीबों की हक की तमाम कोशिशों को आगे बढ़ा रहे हैं। ITTN News के लिए दीपक कुमार सिंह रिपोर्ट, जय हिंद।